नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय लालबर्रा में वैनगंगा मजदूर यूनियन से संबंधित लालबर्रा हमाल संगठन द्वारा ग्राम पंचायत लालबर्रा को बैठक व्यवस्था बनाए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। लालबर्रा में हमाली करने वाले मजदूरों के एक स्थान पर बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज तक प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। इस मुद्दे पर आज लालबर्रा हमाल संगठन द्वारा काम बंद रखा गया और वैनगंगा मजदूर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन के नेतृत्व में ग्राम पंचायत पहुंचकर सचिव को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। मजदूर यूनियन द्वारा प्रेषित पत्र में बताया गया कि वर्तमान में लालबर्रा में हमाल पुलिस थाने की बाउंड्री के पास रोड किनारे बैठते हैं। मजदूरों को गर्मियों और बारिश के मौसम में अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये परेशानी कई वर्षों से यथावत बनी हुई है। मजदूरों ने मांग की है कि मेन रोड पर बने सामुदायिक भवन को हमालों को बैठने के लिए उपलब्ध कराया जाए, चूंकि उक्त भवन निर्माण के पश्चात से ही आज तक खाली पड़ा है और बंद ही रहता है। इस अवसर पर वैनगंगा मजदूर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन, यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष सतानंद दमाहे, लालबर्रा हमाल संगठन अध्यक्ष गगन श्याम दमाहे सहित अन्य मजदूर साथी मौजूद रहे। मतलब जैसे उदाहरण के लिए अपन बालाघाट की बात करें, हवारा समिति की, तो यहाँ पे क्या है, मजदूरों को बकाया था पंचायतों ने शेड, जनपद ने शेड बना के लिए, जहाँ पे 30x40 का शेड, जहाँ पे किसी मौसम में महिला या पुरुष मजदूर बैठ सकते हैं। लालबर्रा में ऐसी व्यवस्था नहीं है, सड़क किनारे बैठते हैं या दुकान के, हाँ, थाने के पास में ठेले के ऊपर बैठे रहते हैं, मतलब कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं। अब क्या पंचायत आपकी इस पर अच्छा काम कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी पंचायत का नाम चल रहा है, हम चाहते हैं मजदूर साथियों के लिए व्यवस्था बनाई जाए। हमने मजदूरों से विचार किया तो कहना है कि भैया, जब पुरानी पंचायत थी उस समय तत्कालीन सरपंच सरिता मात्रे नहीं हुई, तो उनके द्वारा जो अभी थाने के बाजू में जो सामुदायिक भवन की जगह जहाँ बहुत सारे कांजिया हुआ करता था, वहाँ पर हमको बैठने के लिए हॉल मिलता था, परंतु पंचायत बदलने के बाद में फिर वहाँ पर शायद उस हॉल को विधायक कार्यालय के लिए आवंटित कर दिया गया, या ऐसी जो भी प्रक्रिया हुई है। और वर्तमान में विधायक कार्यालय भी हमने आज तक कभी खुला देखे नहीं, 10 सालों में जब की पंचायत हुई, तो हमारा अनुरोध है कि अगर विधायक महोदय कार्यालय ना खोल रहे हों तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा बनाइए, 10x10 का ही कमरा क्यों ना, क्या जब बारिश होती है इसलिए बहुत समस्या हो जाती है, गर्मी में बहुत परेशानी हो जाती है। तो हमारा आपसे निवेदन यही है पंचायत से कि इनकी व्यवस्था करवाएं, और विधायक कार्यालय अगर नहीं खुल रहा है उसको खुलवा के मजदूरों को आवंटित कर दें, मतलब अगर ऑन पेपर ना भी करें तो अनऑफिशियली कर दें कि भाई आप लोग वहाँ बैठ सकते हो, उतनी व्यवस्था पंचायत बना दें। क्योंकि पंचायत के वाला इसमें जनपद और तहसील कुछ कर नहीं पाएगा, ये व्यवस्था पंचायत में मुहैया कराना पड़ेगा।